यूं तो हिंदू धर्म में कुल 33 कोटि आराध्य देवी देवता हैं, जिनकी पूजा अर्चना स्तुति की जाती है। इनमें से श्री कृष्ण एक ऐसे आराध्य है जिनसे उनके भक्त प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र से ही मन में प्रेम की गंगा बहने लगती है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो कई ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की है, जिसमें सूरदास, नरहरिदास, रविदास, रक्षण, महादेवी वर्मा, ये सभी नाम मशहूर हैं। पर इन सभी में से एक नाम ऐसा भी है जिसके बिना श्री कृष्ण खुद अधूरे से लगते हैं। आज हम श्री कृष्ण की ऐसी उपासक भक्त की बात करेंगे जो श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठी थी, जिन्हें श्री कृष्ण के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। उन्होंने अपने दोहे के जरिए कहा है, मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे चान कोई कहे चौड़, लियो री बचता ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अखियां खोल। यही को सब जग जानत है, रियो री अनमोल अकमोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूरब जन्म का कोल। अर्थात उनका कहना है कि उन्होंने श्री कृष्ण को पा लिया है बिना किसी बात की परवाह किए, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उनसे ज्यादा उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। श्री कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है। नमस्ते, मैं हूँ कहानीकार महक मिर्ज़ा प्रभु और आपका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा और ब्रांड न्यू सीरीज़ एन ओड टू द इंडियन पोएट्स के नए एपिसोड में। यहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं भारत के मशहूर और जाने माने कवियों और शायरों से। अभी तक आप ये समझ ही गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त मीराबाई के बारे में। तो आइए उनके प्रेम सागर में डूबकर हम भी खुद को थोड़ा सा पवित्र कर लें। मीराबाई का जन्म 1498 में कुर्की राजस्थान में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ और माता का नाम वीर कुमारी था। इनके पिता रतन सिंह वहां के शासक दुदाजी के छोटे पुत्र थे और इस वजह से वो ज्यादातर घर से दूर ही रहा करते थे। एक जानकारी के अनुसार रतन सिंह की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। मीराबाई का श्री कृष्ण से लगाव को लेकर दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी और उन्होंने एक दिन उनकी माँ से पूछा, माँ मेरे पति कौन है? तो उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही है तुम्हारे पति। मीरा ने इस बात को गांठ बांध ली और बचपन से ही उन्हें अपने पति मानने लगी। दूसरी कहानी ये है कि उनके घर में पंडितों और साधुओं का आना जाना लगा रहता था। एक दिन एक साधु ने श्री कृष्ण की एक प्रतिमा मीरा को दी। मीरा को श्री कृष्ण की उस प्रतिमा ने इतना प्रभावित किया कि मीरा श्री कृष्ण के सौंदर्य की दीवानी ही हो गई। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई और उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए और गहरा होता गया। इतना गहरा कि उन्हें श्री कृष्ण के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं था। यूं तो मीरा ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन फिर भी उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से करवा दी गई। मगर मीरा ने साफ तौर पर कह दिया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसका अर्थ है कि मेरे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है, जिनके सर मोर मुकुट है वो ही मेरे पति है।
शादी के बाद भी मीराबाई सिर्फ श्री कृष्ण को ही अपने पति के रूप में पूजती रही। वो उनकी पूजा आराधना करने लगती तो सब कुछ भूल जाया करती थी। ये देखकर राजा भोज को पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर उन्होंने उनकी प्रेम का सम्मान किया। मीरा जब कभी श्री कृष्ण का गीत लिखकर सुनाया करती, भोज को उनका गीत बहुत भाता और वो उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित भी करते थे। राजा भोज की कुल देवी माँ दुर्गा थी। जब मीरा को उनकी पूजा करने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण के अलावा किसी की भी पूजा करना पसंद नहीं करती थी। राजा भोज ने उनके इस निर्णय का भी सम्मान किया, मगर घर के बाकी सदस्यों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। राजा भोज ने हमेशा ही मीराबाई का साथ दिया, पर एक ऐसा दिन भी आया जब मीराबाई से राजा भोज का साथ हमेशा के लिए छूट गया। 1521 में भोज की मृत्यु एक युद्ध में हो गई। अब उनके ससुर राणा और बाकी ससुराल के लोगों ने मीरा के मंदिर जाकर गाने और नाचने पर प्रतिबंध लगाना चाहा, मगर श्री कृष्णा के प्रेम में पागल मीरा को कहां कुछ सूझता। मीरा को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। राणा ने कई बार उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश भी की, मगर वो हर बार बच जाती। अंततः ससुराल से तंग आकर मीरा अपने घर लौट आई, पर उनके घर वालों ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब मीरा ने अपनी वेदना दर्शाते हुए लिखा कि तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। मीरा अपने घर में ना अपनाए जाने के बाद वृंदावन चली गई, जहाँ वो बिना किसी रोक टोक के कृष्णा की भक्ति कर सकती थी। मीरा का एक बहुत ही मशहूर गीत है जो आज भी हृदय को राहत देता है, और वो कुछ इस प्रकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे ना खूटे चोर न लुटे दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खे वटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस गीत के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई कहती है कि मुझे राम नाम रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो गई है, मुझे तो जन्म जन्म की पूंजी मिल गई है, और ये जो धन की प्राप्ति मुझे हुई है, यानी कि जो प्रेम उन्होंने पाया है, उसकी खासियत ये है कि ना तो ये खर्च होता है और ना ही इसको चोर लूट के ले जा सकता है। ये धन यानी प्रभु का प्यार हर रोज बस बढ़ता ही जाता है। मीराबाई ऐसे ऐसे कई अनमोल कविताएं छोड़ गई है जो खुद एक प्रेम सागर है। माना जाता है कि 1547 में मीराबाई ने द्वारका के मंदिर में अपना देह त्याग दिया और अपने प्रियतम से मिलकर हमेशा के लिए कृष्णा की हो गई। मीरा आज के युग की सबसे बड़ी प्रेमिका रही है, और उनके जैसी भक्ति और प्रेम फिर कोई नहीं कर पाया। मीराबाई को विश्वास था कि श्री कृष्ण उनके लिए आएंगे, और वो आते भी थे। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी की भक्ति करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए और अपने मन में धैर्य रखना चाहिए। प्रेम का आधार ही इंतजार है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोगों ने सच्चे प्रेम का मतलब समझा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए कवि और उनकी कविताएं लेकर माइंड वॉइस के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस विच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।